शिवाय, शिवजी सदा सदा ओम नमः गुरुजी जय गुरुजी, इट्स एन ऑनर टू बी हेयर तो जब हम गुरुजी को मिले थे फिजिकल फॉर्म में तब नहीं पता था कि क्या ऑनर है ये तो बाद में पता चला कि ब्लेसिंग क्या होती है और आ, और एट दी आउटसाइड वुड से कि जिन्होंने फिजिकल फॉर्म में मिला उनका शत फिजिकल फॉर्म में मिलना था पर जो फिज़िकल फॉर्म में नहीं मिला आई थिंक वो मैं और मेरी आंटी हम हमेशा बात करते कि दे आर इवन मोर ब्लेस्ड देन प्रॉब्ली दोज हु मेट इन फिज़िकल फॉर्म क्योंकि फ़िज़िकल फॉर्म में कई बार बिलीव करना बड़ा मुश्किल होता था कि ये महापुरुष है बड़ा मुश्किल होता था तो मैं थोड़ी सी हफ्ती जर्नी शेयर करूँगा तो कहते हैं कि सत्संग करने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला तो मैं अपने लिए सेल्फिश तो ही मेरे भला मुझे भी मिलेगा बट आई होप ऑल ऑफ यू गेट सम मैसेजेस तो um, हमारा जो कनेक्शन गुरुजी के साथ शुरू हुआ था वो दुख में ही हुआ था uh, कई संगत मेरा यह संग सुन सुन चुकी है कई संगत नहीं भी है सो आई वुड आज फॉर पार्टनर फ्राम दोज हर्ड इट ऑलियर तो um, हमारा दुख ये था कि मेरी दोनों किडनीज फेल हो गई थी तो और uh, 2001 में किडनी ट्रांसप्लांट मदर ने किडनी दी थी एंड uh, 2003 में वो भी फेल हो रही थी तो डॉक्टर्स हैड गिवन अप तो उन्होंने कहा था कि डायलिसिस होगा फिर से एंड डायलिसिस कैन बी एक्सट्रीमली कम उसकी एक लिमिट होती है कितना ले सकते हो आप तो हम गुड़गांव में रहते थे तब हमें गुरु के बारे में मेरी वाइफ मेरी आंटी को उनकी एक फ्रेंड थी उन्होंने बताया तो इतने गुरु इतने संत किसको माने किसको ना माने ऊपर से हम पंडितों के चक्कर में भी पड़े हुए थे तावीज भी रिंग्स भी सब कुछ होते थे उंगलियों में क्योंकि पंडितों ने कहा था कि पहनोगे तो ठीक रहोगे उतार दे तो गए तो वो अपना काम कर रहे थे आई डोंट विश टू मै लाइन एनी बडी बट अंधविश्वासों में हम लोग आ गए थे तो uh, मैं तो गया नहीं गुरु के पास uh, मैं हॉस्पिटल में था आई जस्ट डिस्चार्ज होके आया था आई डेंट गो बट माय वाइफ एंड माय मदर वेंट टू गुरुजी तो पहली बार मदर होके आए तो हमने पूछा कैसा लगा आपको क्योंकि शिक्ष गो बिकॉज शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ मी माय वाइफ तो उसका बड़ा बड़े सोने जो गुरु हैं थोड़ी थोड़ी पंजाबी बोलूँगा मैं आई होप एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड तो गुरु का ऐसा और ऐसा इतना सुंदर और दूसरा बोला बड़ा अच्छा डिसिप्लिन है वहाँ पर मंदिर में साफ सुथरा मंदिर है कोई बात नहीं करता है गुरबानी चलती है बस उसको सुनो और गुरु जी बैठ के संगत को देखते रहते हैं और उसके बाद बहुत अच्छा लंगर प्रसाद मिल के सो शी वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड एंड देट वॉज इट बट हमें समझ में नहीं आता कि गुरु जी के दरबार में आ गए तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग हो गई कि आप दरबार में आ गए महाराज के समझ में नहीं आता तो उन्होंने बोला प्रॉब्लम क्या है बेटे की तो गुरु जी ने कहा कि उन्होंने लगे आओ तो बोले शायद वो तो आएगा नहीं मैं बुद्धिस्ट चैंटिंग प्रैक्टिस करता था उस समय तो उन्होंने उनका वोटिनों ले आओ मतलब वाइफ को ले आओ तो अब आपने यहाँ पे लोटा ब्लेस होते हुए देखा है गुरु जी के अपने ही तरीके हैं जो सीवियर इल्नेस होती थी उसके लिए गुरु जी बोलते थे लोटा ले आओ मैं ब्लेस करके दूंगा तो इसी तरीके से लोटा लेके गए मेरी पिक्चर ले गए साथ में और गुरु जी ने वो लोटा ब्लेस किया फिर सेवादारों ने बोला कि भाई आधा पानी उसमें पानी से भर लीजिए सुबह उठ के आधा पीना और आधे से नहाना है तो वेन यू आर फाइटिंग फॉर लाइफ यू वुड डू एनी थिंग आई हैव बीन थ्रू इट्स आई वुड से दैट कुछ भी करने के लिए कोई कुछ भी बोल दे तैयार हो जाता आदमी तो हमने कहा लोटा भी सही बट डिलीजेंटली उसको किया मैंने तीन महीने तक मैं उसे पीता रहा नहाता रहा और तीन महीने के बाद जो मदर की किडनी रिवाइव हो गई फिर से तो मेरे नेफ्रोलॉजिस्ट ने मुझे कहा था क्या था कि आप जो भी कर रहे हो उसको करते रहिए आई डोंट नो वॉट यू आर डूइंग बट जो भी आप कर रहे हो उसको प्लीज़ करते रहिएगा बिकॉज मेडिकल साइंस में सिर्फ देवर ओनली पम्पिंग स्टेरॉयड में उसके अलावा उनके पास और कुछ नहीं था तो हमारी जर्नी वहाँ से शुरू हुई तो गुरुजी उस समय एक एम्पायर स्टेट आपने सुना होगा मेहरौली गुड़गांव रोड पे है वहाँ पे गेटेड कम्युनिटी है उसमें घर में गुरुजी बैठते थे तो जब मैं पहली बार गया तो अगर जल्दी चले गए तो शायद जल्दी गए थे हम लोग तो वहाँ पे जाइए थोड़ा सा गैराज है वहीं पर नीचे अपने शूज़ रख दीजिए और संगत अपने आप लाइन में रखती थी तो जल्दी अगर चले जाते थे तो जैसे ही अंदर किया तो एक साइड बोर्ड होता और गुरु जी वहाँ पर कैजल्स में होते थे तो गुरु जी ने ट्राउज़र पहना हुआ टी शर्ट पहना हुआ या शर्ट पहनी हुई शूज़ भी होते थे उनके क्योंकि शाम को वॉक करते थे वो उसी कम्यूनिटी में और गुरु जी उस पर बैठे होते थे उस साइड बोर्ड पर और एक्नॉलेज करते रहते थे किसी से थोड़ी बात कर ली तो एक चीज़ बड़ी अद्भुत देखी कि गुरु जी वॉक करके आए उनके शूज़ के नीचे इत इतनी भी ड नहीं इतनी सी भी ड नहीं तो आदमी ऑब्जर्व करता है बट ठीक से उसको सिंक इन। तो फिर बाद में संगत बताते थे, थे कि महापुरुष जो है बोलते हैं जमीन पे नहीं चलते अब माने कैसे उसको तो एक बार दो तीन साल गुरु के साथ जुड़े हुए हमें हो गए थे तो गुरुजी कई बार आंटी बाहर ले जाएंगे आप प्लीज बच्चे को इफ यू डोंट माइंड सो तो वहाँ पे आ, हम लोग को तो गुरुजी कई बार शादी जो संगत की होती थी उस तो संगत को बोलते थे अटेंड करो तो गुरुजी के पास आती थी संगत पचास जैसे कार्ड्स इन्विटेशन कार्ड्स रख के ब्लेस करा के छोड़ आते थे तो गुरुजी अपनी मर्जी से लिख के नाम खुद ही उस सो हम्बल संगत को दिया करते थे अपने हाथ से लिख के तो एक बार मेरा और मेरी आंटी का भी नंबर लग गया गुरुजी ने उसमें लिख के भेजा मैंने अंकल एंड आंटी तो वो सीता ट्रेवल्स होते थे इंडिया में द फर्म इज़ नो मोर द इट तो उनकी बेटी की शादी थी और ये विंटर टाइम था तो विंटर टाइम पे फार्म हाउस पे बहुत गीला होता है ग्रास और गुरुजी हमारे बड़े प्रैक्टिकल उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि लीकर सब नहीं होगी यानी यूल नॉट सर्ब मीट और समथिंग वो अलग से वहाँ पर स्टेशन था तो हम लोग पहुँच गए वहाँ पर संगत हैड कपल ऑफ ड्रिंक्स और uh, पर बहुत वेट था वहाँ पर तो गुरु जी की एक वाइट एक कार होती थी उसे अभी भी है गुरु जी के बड़े मंदिर में तो वो सायरन चलते हुए गाड़ी आई वहाँ पे तो पता गुरु जी आ गया गुरु जी आके सब ने अपना हाथ वाथ रख के मुँह साफ करके और शूज़ उतार लिए और मुझे याद है कि हम लोगों ने अपनी ट्राउज़र्स फोल्ड कर ली थी क्योंकि इतना गीला था वहाँ पे घास और भागते हुए गए और गुरु जी आए अपना उतरे वो भी चल के अपना सिंहासन पर बैठ गए उनके लिए अलग जगह थी उसके बाद जो संगत थी वो आके अपना माथा टेक रही थी और गुरु जी अपने हाथ से सबको प्रसाद दे रहे थे तो वो पहली बार मैंने उनके हाथ से प्रसाद खाया मैंने आंटी ने उसके बाद तो मैंने नहीं खाया था बट एक चीज़ फिर से ऑब्जर्व करी कि हमारे तो ट्राउजर्स भी गीले हो गए थे गुरु जी की जुतियाँ बिल्कुल सूखी तो वो बाद में समझ में आता है कि महापुरुष क्या होता है तो मैं इसलिए बोल रहा था आपको कि फिजिकल फॉर्म में कई बार समझ में नहीं आती बात कि महापुरुष कौन होते हैं तो इस तरीके से गुरु के पास फिर गुरु बैठे होते थे वहाँ पर ट्राउजर उसके बाद गुरु अपने बेडरूम में जाते थे और चोला पहन के आते जो आप चोले फ़ोटो में देखते हो चोले पहन के आते थे फिर सियासन पर बैठते थे फिर शबद कीर्तन शुरू होते थे तो गुरु जी से एक बार किसी ने पूछा कि आप ये चोले क्यों पहनते हो तो गुरु जी हंस के कहते हैं पैंट शर्ट में तो गुरुओं को भी गुरु नहीं मानते लोग ये मैं संगत के लिए करता हूँ और बात सही भी है कि अगर हम सोचते थे गुरु हो गए मतलब बैठे होंगे कोई सहमन देंगे कोई वहाँ पे भाषण देंगे गुरु जी तो कुछ देते ही नहीं थे भाषण चुपचाप बैठे रहते थे पर गुरु जी का अपना ही तरीका था कम्युनिकेट करने का तो उसके बाद जो हमने वहाँ पे गुरु जी थोड़े थोड़े चमत्कार दिखाते थे एक बार हम लोग बैठे हुए थे वहाँ पर गुरु जी के पास तो गुरु जी की पिक्चर्स लगी हुई थी उधर एम्पायर स्टेट में उनमें से अमृत निकलना शुरू हो गया अमृत निकल रहा है गुरु जी बैठे हुए हैं और संगत भी स्टूपेड गुरु जी को सबने भूल गए और सब पिक्चर्स की तरफ देख रहे हैं कि अमृत निकल रहा है अमृत निकल रहा है अमृत निकल रहा है ये गुरु जी के तरीके थे दिखाने के लिए कि मैं कौन हूँ बिना कुछ बोले वहाँ पे तो इस तरह गुरु जी हिंट देते रहते थे बट मेन जो है उनका जो संगत के दुख दूर करने जैसे मैंने अपने हेल्थ का बताया हमारे इतने सत्संग हैं वहाँ पे कि यू नो वी कैन दो मेनी एवरीबडी हैज जो गुरु जी के साथ जुड़े हुए तो वहाँ पे हम देखते थे कि हर तरह के लोग बैठे होते थे और गुरुजी ने कभी मीडिया वेबसाइट उस समय किसने करी थी गुरुजी ने बंद करवा दी थी गुरु कहते थे बाय इनविटेशन ओनली तो आंटी ने अभी भी बोला शुरू में कि जो आज हमारा पहला दिन गुरुजी के दरबार में ये भी इनविटेशन है एवरीबडी हैज़ अ चॉइस ऑफ बीइंग इन डिफरेंट प्लेसेस यहाँ बैठे हैं संगत के साथ बैठे हैं तो हर तरह के लोग होते थे वहाँ पर पॉलिटिशन्स ब्यूरोट्स बॉलीवुड वगैरह हर जगह से होते थे तो गुरु जी का यही था कि गुरु जी ने हैंड पिक जो चार सौ पाँच सौ शब्द हैं वही चलते हैं और उसी में गुरु जी कहते थे कई पंजाबी कितनों को आती है गुरु जी कहते थे सुन लो जो समझ में आना अपने आप आ जाएगा और अब यहाँ पे संगत है जो पंजाबी नहीं है बंगाली है या साउथ इंडियन है वो बोलते हमें आता है समझ में जो आना है गुरु जी कहते थे अपने आप समझ में आएगा तो गुरु जी की बहुत डीप मीनिंग वाली बातें होती थी तो तो इस तरीके से हमारी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ शुरू हुई फाइनेंशियल इशूज सॉल्व हुए कई तरह की चीज़ें सॉल्व हुई तो वहाँ पर ये होता था कि सत्संग करो तो एक दिन क्या हुआ कि गुरु जी ऐसे बैठे होते थे यहाँ पर एक लाइन लंगर की ऐसे लगती थी और एक लाइन ऐसे लगती थी और जिसका जहाँ नंबर आ जाए वो वहीं बैठते और जिसने बड़े मंदिर में लंगर किया होगा या एम्पायर स्टेट में एक प्लेट में चार संगत इकट्ठी कर आठ चपाती होती है सब्जी प्रसाद सब सबके लिए इनफ होता है उसमें दो दो चपाती गुरु जी कहते हैं कर्म कटते हैं कट्ठे खाओ तो साफ सुथरा है क्लीन तो एक दिन नंबर लगा तो एक साइड गुरु जी की रोज़ शुरू हुई मेरी आंटी बैठे हुए थी इस साइड इस साइड मैं बैठा हुआ था शुरू में हमारा नंबर ऐसे लगा तो जब जिस प्लेट में मेरी आंटी खा रही थी उनके साथ जिनके साथ तो उसने देखा बड़े फॉर्मल तरीके से नॉर्मली लंगर खाते हैं आराम से जैसे हम इंडियन वे से खाते हैं वो अपना स्पून से डालें और बड़े ऑकवर्ड होके खा रहे थे तो इसने उनको बोला आप ठीक से खाइए लंगर ये ब्लेसिंग है तो बस इतना ही बोला कि बात करना अलाउड नहीं था लंगर के समय बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होता था तो उसके बाद जो बैठी हुई थे एक मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर थे वो थे उसमें बैठे हुए और उनकी वाइफ थी और एक और संगत थी तो बाद में उन्होंने पूछा कि आप कैसे गुरु से जुड़े मेरी वाइफ से या आंटी से तो उन्होंने बोला देखो उस साइड जो बैठे हुए हैं वो मेरे अंकल हैं गुरुजी ने उनका किडनी ट्रांसप्लांट वेंट बैट कैसे ब्लेस किया वगैरह वगैरह तो गुरुजी के पास कोई नहीं होते तो उसने बोला जो मेरे हस्बैंड को मैं लेके आई हूँ इनकी किडनी फेल हो गई अब आप देखिए कि वो चार इकट्ठे खाएं जिसमें से जिस एक को वो प्रॉब्लम है और एक ने वो प्रॉब्लम गुरु जी की ब्लेसिंग से उसकी फैमिली में सॉल्व हुई है तो कभी कोइंसिडेंसेस नहीं गुरुजी खुद नहीं बोलते थे बट सर्कमस्टेंसेज क्रिएट करते थे तो जब लंगर हो जाता था हम लोग बाहर आते थे उसके बाद बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस और हाथ धोना कोई आवाज़ नहीं क्योंकि लोग रहते थे वहाँ पे तो उन्होंने बोला मेरी वाइफ को कि अपने हस्बैंड को बोलो सत्संग करें उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें जिससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो क्योंकि गुरु जी तो खुद कभी कभार संगत को बोलते थे खड़े हो दस की हो रहा है तेरे न तो जब अब लंगर के बाद गुरु जी के पास माथा टेक करके आज्ञा लेने जाते थे और गुरु जी हर संगत को एक्नॉलेज करते थे क्या ग्रेटनेस है गुरु जी की एक एक संगत को एक्नॉलेज करते थे सबको रिस्पेक्ट तो जब मैं गया तो वो मिनिस्टर जो है साइड में बैठे हुए थे उनकी वाइफ तो मैंने माथा टेका तो मैं साइड में होने लगा तो गुरु जी कहते हैं कितने जा रहा तो मैंने कहा गुरु जी वो सत्संग करना है गुरु जी कहता कोई लोड़ नहीं है उन्होंने ब्लैस कर देता तेन भी कर देता जाओ घर तो सत्संग भी जो कोई जो कई बार बोलती है कि सत्संग करिए तो हम बोलते हैं नहीं या हाँ वो भी गुरु जी के आदेश से ही होता है तो मैं करना चाहता था मेरा नहीं हुआ इसी तरीके से जब गुरु जी ने चोला छोड़ दिया था तो बड़े मंदिर में सत्संग किया करते थे हम लोग जब संगत आती थी तो टू थाउजेंड की बात है तो मेरी सेवा लगती थी बड़े मंदिर में टू सैटरडे को तो एक दिन थर्सडे हम किसी को लेके गए उनको कैंसर था बहुत कैंसर लोगों के क्योर हुए हैं मंदिर में गुरु जी की ब्लैसिंग से तो एक वहाँ पे एक जेथरा अंकल उनके बेटे का ल्यूकेमिया ठीक हुआ था तो हमने कहा आप उनके पास जाके कि भाई वो सत्संग सुनाएंगे उनको तो इनका भी कॉन्फिडेंस गुरु जी में बढ़ेगा तो मैं हम मंदिर में गए जैसे हम जा रहे थे सामने से अंकल आ रहे थे जेथरा तो मैं जब तक उनको बोलता कि आप सत्संग करो उन्होंने बोला मैं नहीं अंकल आज आप सत्संग करोगे तो ये हुक्म होता है तो मैंने कहा आप अंकल तो जब खड़े होकर मंदिर में सत्संग किया उसके बाद सात आठ लोग मेरे पास बाद में आके मिले जिनकी अपनी किडनी ख़राब थी या उनकी फैमिली में किडनी प्रॉब्लम थी और वो उसी समस्या को लेके मंदिर में आए हुए थे तो सत्संग भी मुकर्र होता है और जो सुनता है उसके क्वेश्चंस को भी आंसर मिलते हैं ये गुरु जी की ग्रेटनेस है तो 2006 में गुरु जी ने मैसेजेस भेजना शुरू किए कि अपने सत्संग लिखो संगत को बोलना शुरू किया हमें भी आया मैसेज कहीं कि अब किसी ने लिखा किसी ने जिसका लिखना था जिसका होना था नहीं हुआ तो तब ये बुक क्रिएट करी गुरुजी ने लाइट ऑफ डिविनिटी शायद आप लोगों में से कईयों के पास कॉपी होगी सॉफ्ट कॉपी है हमारे पास हम ग्रुप्स में भी डाल देंगे उसको तो उसमें सिर्फ इट्स ए कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस सत्संग क्योंकि गुरुजी खुद तो कुछ लिख के गए नहीं गुरु जी सिर्फ एक्सपीरियंस से अपनी ब्लेसिंग देते थे तो वो सत्संग इतनी पावरफुल है कि अगर आप रैंडम कोई भी पेज खोल दीजिएगा आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है उसका आपको किसी के एक्सपीरियंस से आंसर तो गुरु जी की चीज़ें बड़ी सिंपल होती हैं बट उसकी पावर जो होती है इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू अनरेबल द मिस्ट्री एंड द पावर बिहाइंड इट तो इस तरीके से गुरु जी का होता है तो मैं रिकमेंड करूँगा और मैं जो सेवादार उनको भी बोलूँगा कि वो लाइट और डिविनिटी शुड बी मेड अवेलेबल ऑन ग्रुप्स उसको आप पढ़िएगा उससे देखिए कितनी गुरु जी की महिमा है हमारे इट्स नॉट ए को इंसिडेंस डेट वी आर हेयर तो आज सुबह मैंने एक तो uh, मैं लास्ट सत्संग शेयर करूँगा मैंने सोचा कि मैं एक सत्संग पढ़ के जाऊँगा आज पक्का और मैं एक दो दिन से एक अंकल को याद कर रहा था वो चंडीगढ़ में रहते हैं उनका नाम है तूर अंकल तो जैसे मैंने खोला सत्संग उन्हीं का निकला एंड अगेन आई एम शेयरिंग तो दूर अंकल हैं उनको हमें संगत बताती थी कि एक अंकल हैं उनके बेटा है था वो ही वॉज डेफ बॉर्न डेफ और फर्स्ट ट्वेंटी फाइव ईयर्स वो डेफ था गुरु ने कैसे ब्लेस किया वही सत्संग हम उनको मिले भी बाद में मौका मिला उनको उनका सत्संग सुनने का तो वो गुरुजी के पास किसी के बोलने से चंडीगढ़ से आए थे गुरुजी के पास तो उनकी समस्या ये थी कि बेटा उनका डेफ था बर्थ से एंड ही वाज 25 इयर्स ओल्ड देन अब गुरु जी के पास ये भी था कि मांगना नहीं मानो तो बोलना भी बातचीत सिर्फ जब आज्ञा लेते थे लंगर के बाद तब गुरु जी से बातचीत करते थे तो गुरु जी ने उनको बुलाया उनको बोला कि आमंड ऑयल जो होता है उसको थोड़ा थोड़ा डालो कान में हफ्ते में बीस परसेंट ठीक हो गया गुरु जी ने कहा बाद में भी ठीक हो जाएगा तो एक तो सत्संग और तुर अंकल के सत्संग कितनी संगत ने आप सुने होंगे कि डेफनेस मतलब गुरु जी तो कुछ भी दे सकते हैं लाइफ दे सकते हैं तो डेफनेस तो क्या है तो मैं वो सत्संग पढ़ रहा था उसमें दो एक सत्संग और मुझे जो मैं शेयर करूँगा एक तो था कि उनकी नीस यू में रहती थी मैरिड फॉर सेवन ईयर्स बच्चा नहीं था उनका तो उन्होंने भी कहा जा। आ जाओ गुरु के पास तो गुरु के पास आए गुरु कहते हैं अक्टूबर तक हो जाएगा एंड राइटफुली गुरु जी ने बोल दिया तो पत्थर की लकीर है शी वॉज प्रेगनेंट बाटूबर दैड है चाइल्ड तो ये दूसरा सत्संग और तीसरा सत्संग मैं शेयर करूँगा कि उसमें उनका तूर अंकल के हार्ट बीट वन बीट्स पर मिनट हो गए थे तो ही है अ प्रॉब्लम अब ये कोइंसिडेंस नहीं है आई एम ऑलसो गोइंग थ्रू अ मेरी हार्ट बीट कई बार बहुत फास्ट हो जाती है एसवीटी बोलते हैं उसको तो सत्संग में कोई कोइंसिडेंस नहीं होता तो गुरुजी सिर्फ ट्रस्ट को चेक करते थे तो गुरुजी ने उनको बुलाया बोला ये पांच समोसे खा ले अब जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है उसको बोले पाँच समोसे खा ले बट ही हैड ऑलरेडी तब तक उनका बड़ा फेथ हो गया था तो उन्होंने पाँच समोसे खे होर दो खा तो दो खाए उसके बाद वो गया उन्होंने तो ऑब्वियसली सोचा कि मैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत हाई हो जाएंगे बट नथिंग लाइक दैट हैपेंड एंड एंड इज़ हार्ट प्रॉब्लम वॉज क्योर गुरु जी सिर्फ फेथ चेक करते थे जो डायबिटिक थे उनको बोलते थे मीठा खाओ फेथ चेक करते थे तो जब लंगर प्रसाद आपको मिलेगा ये लंगर कई बार संगत बोलती है मैं डाइटिंग पे हूँ मैंने ये नहीं खाना मुझे मीठा मत दो मुझे एक ये लंगर प्रसाद है ब्लेस्ड इससे ना कोई मोटा इससे सिर्फ हम हील होते हैं राइट एंड बॉडी के अंदर क्या चल रहा है नो बड़ी नोज़ और बहुत गुरुजी बोलते थे बहुत ध्यान से लंगर खाना है बहुत काम तरीके से खाना है तो यहाँ पे अंकल बोलते रहते हैं बात मत करो बात मत करो और मैं भी देखता हूँ कई बार संगत बोलती हूँ अंकल आ गए अंकल आ गए अंकल थोड़ा आ रहे हैं गुरुजी इज़ वॉचिंग अस अंकल इज़ ओनली ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट अं जो डिसिप्लिन गुरु जी ने किया था तो ये जगह महाराज की बड़ी सिंपल भी है बट एट द सेम पॉइंट एंड टाइम इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टू क्योंकि सिंप्लिसिटी है सिंपलिसिटी हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं कई बार बहुत कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं कोई रिचुअल नहीं है यहाँ पे, कोई पंडित नहीं है यहाँ पे। आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस आई एम नॉट यंग एयर स्पीच सो यही है लाइट और डिविनिटी पढ़िए जो आपको कभी भी गुरु जी कहते हैं जद आ सक दे आ जाया करो दिन के किसी भी टाइम में गुरु जी को याद कर लो कोई गुरु जी ने मुक्र भी नहीं किया टाइम जब 10-20 मिनट मिले याद कर लो गुरु जी को गुरु जी कहते थे आंधे रहा करो गुरु जी ये नहीं कहते थे हफ्ते में दो बार आया करो इतना सिंपल गुरु जी ने हमारे लिए किया सो विद दैट विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर सबको ब्लेस करेंगे गुरु जी दैट्स वा वी ऑल अर एंड आंटी शिवा गुरु जी सदा सा